हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना आर्यानी द बिहार हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। पिछले वीडियोस में हमने बिहार बोर्ड द्वारा जारी साइंस विषय के मॉडल पेपर पर कुछ चर्चाएं की थी, उसे सॉल्व करने की कोशिश की थी। आइए उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ए मैग्नीशियम, बी सोडियम, सी पारा और डी टंगस्टन। तो हमारा आंसर होगा बी सोडियम। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि सोडियम जो है बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। अगर उसे हवा में या पानी में रखते हैं तो उसमें तुरंत आग पकड़ लेती है, इसी कारण सोडियम को हमेशा हम केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं ए सर्फ एक्सेल, बी शैम्पू, सी इजी सर्फ, डी उपरोक्त सभी। तो अपमार्जक से डिटर्जेंट से इजी सर्फ बनाए जाते हैं, हमारा आंसर हो गया ए शैम्पू सर्फ एक्सेल बनाए जाते हैं, हमारा आंसर है ए इजी सर्फ और शैम्पू सॉफ्ट होते हैं, उनके उसमें अगर अपमार्जक का उपयोग होता है तो ये हमारे बालों को खराब कर देंगे। और इजी से हम मुलायम कपड़े धोते हैं वह कपड़े भी खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ए प्लास्टिक, बी सिलिकॉन, सी यूरेनियम, डी प्लूटोनियम। तो सौर सेल में जो सोलर प्लेट बनते हैं उसमें सिलिकॉन तत्व का इस्तेमाल होता है, तो हमारा आंसर हो गया बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस और डी कोयला। तो हमारा आंसर होगा ए सीएनजी। सीएनजी का उपयोग गाड़ियों में होता है और बाकी तीनों जो हैं एलपीजी अर्थात लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बायोगैस और कोयला, इन तीनों का उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44 2 Cu + O2 = 2 CuO, यह किस प्रकार का रिएक्शन है? ए ऑक्सीकरण, बी अपघटन, सी उदासीनीकरण और डी विस्थापन। तो यहाँ कॉपर का संयोग ऑक्सीजन से हो रहा है, मिलकर क्यूप्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, CuO का निर्माण होता है, हमारा आंसर हो गया ए ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन किसी तत्व से जुड़ता है तो वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? ए H2Cl2 + 2HCl। तो यह जो है H2, इसमें दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है, यहाँ भी हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है, यह संतुलित समीकरण है। बी है PbNO3 = PbO + NO2 + O2। यहाँ जो है वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन संतुलित नहीं है, तो यह है असंतुलित समीकरण है। बाकी तुम्हारा आंसर हो गया बी, बाकी जो और डी समीकरण है ये दोनों भी संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है ए 7, बी 8, सी 6, डी 4। तो आंसर है ए 7। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वे अम्लीय विलयन होते हैं और 7 से अधिक जिनका पीएच मान होता है वे क्षारीय विलयन होते हैं और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? ए HNO3 नाइट्रिक अम्ल, बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी CH3COOH एसिटिक अम्ल और डी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चारों में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो हमारा आंसर होगा एसिटिक। बाकी तीनों जो हैं वे जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का पूर्ण विस्थापन करते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का पूर्ण विस्थापन नहीं करता है। इसी कारण एसिटिक अम्ल जो है वह दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन, क्रायोलाइट अयस्क है। ऑप्शन ए तांबा का, बी लोहा का, सी मैग्नीशियम का और डी एल्यूमिनियम का। तो क्रायोलाइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम धातु का एक्सकर्षण या निष्कासन किया जाता है। हमारा आंसर हो गया डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन, पोटेशियम की परमाणु संख्या है ए 17, बी 18, सी 19 और डी 20। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, तो हमारा आंसर हो गया सी 19। 17 जो है वो क्लोरीन की होती है, 18 आर्गन की होती है और 20 जो है वह कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है ए मेथेनोइक अम्ल, बी प्रोपेनोइक अम्ल, सी एथेनोइक अम्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए हमारा आंसर है ए मेथेनोइक अम्ल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।